दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ मध्य प्रदेश के ऐसे रेलवे स्टेशन में जो भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। इसका नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। जैसे कि आपको मैं स्क्रीन पर इसका एग्जिट डोर दिखा रहा हूँ, ये एग्जिट डोर है और आप देख सकते हैं कि इसका इंटीरियर कैसा बना हुआ है और आउटडोर भी आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का मैं आपको एग्जिट डोर दिखा रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सुबह का टाइम है, सूरज निकल चुका है और इसकी लालिमा भी आपको दिखाई दे रही है और आप यहाँ पर आई लव भोपाल लिखा भी देख सकते हैं। मैं आपको इसका फ्रंट व्यू दिखा नहीं पाया, लेकिन जब आप जाएँ तो इसके सामने फ़ोटो ज़रूर खिंचवाएँ। दोस्तों ये बाहर की तरफ से आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं, पार्किंग है और ये रेलवे स्टेशन का एग्जिट व्यू है। अब हम चलते हैं घूमने। सबसे पहले जाएंगे हम बिरला मंदिर। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं भोपाल के बिरला मंदिर में। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंट्री डोर दिखा रहा हूँ, बहुत ही शानदार मंदिर है। आइए अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा आंगन बनाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दोस्तों ये अंदर का व्यू है। यहाँ पर हमें अंदर की फ़ोटो नहीं लेने दी गई, तो इस कारण से यहाँ पर आपको मैं अंदर की फ़ोटोज़ नहीं दिखा पाया। दोस्तों ये मंदिर के सामने का व्यू है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। आप यहाँ पर एक शंख भी देख सकते हैं, बहुत बड़ा शंख है। मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ और ये व्यू आपको लेफ्ट में देखने को मिलेगा। और मैं अपने कैमरे को हिलाता हुआ आपको मंदिर का व्यू दिखाता हूँ। ये मंदिर का व्यू है एंट्री करने का। ये मंदिर के राइट साइड का व्यू है जहाँ पर आप ये दीवारें देख सकते हैं, बहुत ही शानदार आकृति बनाई गई है। और दोस्तों ये यहाँ पर पार्क बनाया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों अभी हम इस पुल में चलेंगे और इस पुल के बारे में आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी आपको इस पुल को, तो इस वीडियो में बने रहें। और अब ये व्यू मंदिर के पीछे का व्यू है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब हम बाहर आ चुके हैं। और अब हम चलेंगे कहीं और, तो चलते हैं। दोस्तों अब आगे आने वाला है बल्लभ भवन। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बल्लभ भवन है। हम अंदर नहीं गए, हमारे पास थोड़ा टाइम कम था, तो इस वजह से आपको हम बाहर से ही दिखा पा रहे हैं। दोस्तों ये मंत्रालय निर्गम द्वार है जो आपको अब स्क्रीन पर दिख रहा है और आपको एक बड़ा सा फ्लैग भी नज़र आ रहा होगा पार्क में, मैं फ़ोटो ज़्यादा नहीं ले पाया। दोस्तों अब हम आपको भोपाल के जिला जेल को दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको अंदर से भी दिखाएं। तो अब हम आ चुके हैं जिला जेल भोपाल में। लेकिन हमको एंट्री नहीं दी गई, अंदर जाना मना है, तो हमने सिर्फ बाहर से ही फ़ोटो ली है। कोई नहीं दोस्तों, हम दूसरी जगह चलते हैं। तो अब हम बाहर आ चुके हैं। दोस्तों अगर कोई इस वीडियो को भोपाल से देख रहा है तो वो ज़रूर इस जगह के बारे में मुझे बताए जो अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये मार्केट, ये कौन सी जगह का मार्केट है, कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर कोई भोपाल से हमें देख रहा है इस वीडियो को। दोस्तों अब दिन का समय है और अब हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, तो आइए चलते हैं टेढ़े मेढ़े रास्तों में। यहाँ पर टेढ़े मेढ़े रास्ते भी हैं काफी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहाड़ भी हैं। हे दोस्तों अब हमें एक तालाब नज़र आ रहा है, इसको छोटा तालाब कहते हैं।
आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए हम यहाँ पर घूम के आते हैं। यहाँ पर से हमें एक मंदिर दिख रहा है, मैंने यहाँ पर से जूम करके पिक ली है, जितना हो सका उतना कैच करने की से कोशिश की। आप देख सकते हैं इस झील को। और इस पुल की हम बात कर रहे थे तो हम उसके बहुत ही करीब आ चुके हैं, चलेंगे अभी वहाँ भी। उससे पहले दोस्तों आपको मैं यहाँ पर सुसाइड पॉइंट दिखा देता हूँ, यहाँ पर सुसाइड पॉइंट भी है और वहाँ पर जाना मना है। आइए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं। और रास्ते में हमें एक बिल्ली मिली है, उसकी नज़र पता नहीं कहाँ शिकार पर है, बिल्कुल हमारी तरफ नहीं देख रही है। काफ़ी मैंने जूम करके उसके चेहरे पे लेके गया लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया बिल्ली का। चलो आगे चलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर चेतावनी लिखी हुई है, दुर्घटना संभावित स्थान, कृपया ऊपर ना जाएं। लेकिन क्या करें, सबको आती नहीं और हमारी जाती नहीं, हीरोपंती। तो चलते हैं। ये है बाहर का व्यू, ये सड़क जा रही है और ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है यहाँ पर सीढ़ियों से। तो चलते हैं हम। और अब हम आ चुके हैं ऊपर, बहुत ही खतरनाक नज़ारा है। नीचे देखने में तो बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि बहुत काला पानी है। तो दोस्तों आपको मैं दूर दूर का व्यू दिखा देता हूँ, नीचे का व्यू नहीं दिखा रहा हूँ, कहीं मेरा फ़ोन नीचे ना गिर जाए, मुझे डर है। दूर दूर का व्यू ही दिखा रहा हूँ। बहुत ही शानदार व्यू नज़र आ रहा है इस पॉइंट से, आप भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं इस पॉइंट से। अब हम जा रहे हैं पॉलिटेक्निक की तरफ। रास्ते में और आपको लेफ्ट साइड में शानदार एक पार्क दिख जाएगा, बहुत सारे वहाँ पर पेड़ रखे हुए हैं, बहुत ही शानदार लग रहा है। दोस्तों जिस पुल की हम बात कर रहे थे अब हम उस पुल पे आ चुके हैं, उसका नाम है रानी कमलापति आर्य सेतु। जैसे कि आप स्क्रीन पर सीधा देख रहे हैं ये वही पुल है। आइए आगे चलते हैं। और आपको यहाँ पर एक मूर्ति दिख रही है, यह रानी कमलापति की मूर्ति है जो यहाँ पर बनाई गई है, काफ़ी बड़ी मूर्ति है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही पानी है। और आपको यहाँ पर उनका महल भी दिख रहा है, बहुत ही शानदार व्यू है। इधर पानी मुझे थोड़ा साफ नज़र आ रहा है। जैसे कि दोस्तों हम यू टर्न लेके आए हैं, अभी जो आप ये महल देख रहे हैं ये रानी कमलापति का महल है। और आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति देखने को मिलेगी उनकी। अब हम चल रहे हैं चौक बाजार की तरफ, पीर गेट भी उधर ही पड़ता है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं बड़े तालाब की तरफ, जो कि भोपाल का बहुत बड़ा तालाब है। और अब हम आ चुके हैं वहाँ पे। वहाँ पर हमें चक्रवर्ती सम्राट राजा परमार भोज की बहुत बड़ी मूर्ति वहाँ पर हमें देखने को मिली। मैं आपको भी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये फ्रंट व्यू है और यहाँ पर उनके बारे में इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया गया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पर शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन आप इनके बारे में गूगल में पढ़ सकते हैं। ये मेन रोड है और इसी के ही बगल में ये बड़ा तालाब है और यहाँ पर इनकी बहुत बड़ी मूर्ति है। इस बड़े तालाब को 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा बनाया गया था। रानी कमलापति और राजा भोज के बारे में अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो इस टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों अब हम चल के आ चुके हैं भोजताल जंक्शन। यहाँ पर हमें एक गिटार और एक अर्थ का गोला दिखाई दिया और आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी, जो यह बनाया गया है यहाँ पर गिटार और अर्थ बनाया गया है, ये वेस्ट चीज़ों से बनाया गया है। देखने में कितना खूबसूरत लगता है। और आपको यहाँ पर एक रेलगाड़ी भी दिखाई देगी
जिसका नाम हिल स्टेलियन स्टीम इंजन है। और आपको यहां पर बोट क्लब भी नजर आ रहा होगा। जैसे मैं इस गोल अर्थ की बात कर रहा था, तो आपको यहाँ पर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये प्लास्टिक की बोतलों से बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और जो ये गिटार है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनाया गया है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है वेज टू वंडर। और यहाँ पर लिखा हुआ है हिल स्टीलियन स्टीम इंजन। और ये जगह भोजताल जंक्शन पर है, और इसी जगह पे आपको बहुत सारे बतख भी नज़र आ जाएंगे। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए बहुत सारे बतख हैं यहाँ पर और मस्त धूप सेक रहे हैं, और आधे बतख पानी में मछलियों को खा रहे हैं। इसके बाद अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। रास्ते में हमको एक चौराहा मिला है, यहाँ पर एक मूर्ति है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हमें एक तिराया मिला है जिसका नाम KN प्रधान तिराया है। दोस्तों भोपाल में भी बहुत सारे पहाड़ हैं, इसी वजह से यहाँ पर सड़कें ऊंची नीची हैं। कहीं पर आपको ढलान मिलेगी, कहीं पर आपको चढ़ाई, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अभी चढ़ाई है और चढ़ाई होने के बाद अब ये उतराई है, तो ऐसी सड़कें भी आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।